हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कुछ आसान तरीके जिस तरीका को अप्लाई करके हम फिगर्स को काउंट करेंगे और वो भी बहुत ही जल्दी से। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल्स का कुछ एक पैटर्न है। ऊपर में तीन ट्रायंगल्स बनाए गए हैं और ट्रायंगल्स में अगर इस तरह के वर्टिकल लाइंस हो तो उसको काउंट करने का एक तरीका है। तरीका वो है कि हम इसके अंदर नंबरिंग करेंगे, जो घर देख रहे हैं उसके अंदर नंबरिंग करेंगे और इसको ऐड करेंगे। 1+2 क्या होता है? 3। यानी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2×3/2, यानी आ गया 3। उसी तरह इसमें काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, यानी 4×5/2, यानी आ गया 10। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हम लोग पाएंगे 10। उसी तरह यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6×7/2, यानी आ गया 21। अगर हम इसको ऐड करते हैं 1 से 6 तक तो ये 21 ही आएगा। उसी तरह अगर इस तरह के जो पैटर्न्स अगर हो कि हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह के लाइंस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तब हम लोग किस तरह से काउंट करेंगे? इसका तो बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को काउंट करेंगे। यहाँ पर कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1, 2, 2 है, तो इसमें ट्रायंगल्स, टोटल ट्रायंगल्स 2 ही होंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ 4 होगा। और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे 6। तो अगले वीडियो में मैं कुछ और नया पैटर्न्स को लेकर के आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब भी करें। वेल, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।